स्वागत है आप सभी का सुजय सिंह बुलेटिन की सीरीज में 2 मई 2024। इस बुलेटिन में आपके लिए लाए हैं हम नए करंट अफेयर्स, राजस्थान की जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए हो रहे हैं नवाचार, राजस्थान मोबाइल ऐप आधारित अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम शुरू करेगा, मोबाइल ऐप पर उपस्थिति दर्ज करने की शुरुआत की जाएगी, जन कल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक त्वरित गति से पहुंचाने एवं सुशासन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कार्यस्थल पर समय की पाबंदी सुनिश्चित करने के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल विभाग द्वारा बुधवार से राज SSO AMS प्रणाली के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने की शुरुआत की है। अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम के पहले दिन जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के 4,863, भूजल विभाग के 573 कार्मिकों ने उपस्थिति दर्ज की है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के शासन सचिव डॉक्टर समित शर्मा ने बताया कि अधिकारियों एवं कार्मिकों की उपस्थिति को डिजिटल माध्यम से दर्ज किए जाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा मोबाइल ऐप विकसित कर इसका संचालन किया जा रहा है। इसमें जियो फेंसिंग तकनीकी के माध्यम से कार्यालय और कार्यस्थल परिसर के दायरे में मोबाइल ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने का प्रावधान किया गया है। मोबाइल ऐप एंड्रॉइड प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। इस आधुनिकतम उपस्थिति प्रणाली के संचालन के लिए स्टेट लेवल के माध्यम से जिला स्तरीय कार्यालयों की SSO ID को अक्षांश एवं देशांतर के साथ मैप किया गया है। जिला कार्यालयों के द्वारा अधीन कार्यालय को मैप किया गया है। कार्यालय अध्यक्ष द्वारा अपने अधीन कार्यरत अधिकारियों एवं कार्मिकों को ऐप पर मैप किया जाता है। इसके बाद कार्मिक जियो फेंस एरिया में मोबाइल ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कर देते हैं। जियो फेंस तकनीकी में ऑफिस की GPS लोकेशन पर ही मार्क इन किया जा सकता है। कार्य समय समाप्त होने के बाद इसमें मार्क आउट का भी ऑप्शन है। इसमें आउट ऑफ ऑफिस ऑन लीव भी मार्क करने की सुविधा है। यानी कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी के द्वारा अभी एक नवाचार हुआ है, मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है जिसमें मार्क आउट, मार्क इन और मार्क ऑन लीव आदि सुविधाएं इसमें दी गई है। राजस्थान को अप्रैल में राज्य का GST राजस्व संग्रह नए स्तर पर पहुंचा है। अप्रैल में जो राजस्व संग्रह है वो नए स्तर को छू चुका है। सकल GST राजस्व में 16% की वृद्धि हुई है। राजस्थान में अप्रैल 2024 में सकल वस्तु एवं सेवा कर GST संग्रह 5,558 करोड़ रुपए के उच्च स्तर पर पहुंच गया है, जो अप्रैल 2023 के दौरान 4,785 करोड़ रुपए था। यह वर्ष दर वर्ष के आधार पर 16% की उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है, जो घरेलू लेन देन और व्यापार में मजबूत वृद्धि के संभव हुई है। इन आंकड़ों में अनुसार अप्रैल 2024 के लिए राज्य में निपटान एवं पूर्व SGST राजस्व 9% की वृद्धि के साथ 1,890 करोड़ हो गया है। ये पिछले वर्ष अप्रैल 2023 में 1,741 करोड़ था तथा निपटान के बाद SGST राजस्व 2% की वृद्धि के साथ 3,967 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो अप्रैल 2023 में 3,896 करोड़ रुपए था। इसी के साथ में रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम के तहत ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी गठित हुई है तथा ग्राम और तहसील स्तर पर समिति एवं सतर्कता का दल गठित हो रहे हैं, क्योंकि अभी अक्षय तृतीया आने वाली है और बाल विवाह को रोकने के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जा रहे हैं। अबुज सावे अक्षय तृतीया के दौरान विशेष रूप से ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं जोधपुर जिला प्रशासन के द्वारा। साथ ही अन्य जिलों के प्रशासन के द्वारा भी जो बाल विवाह रोकने के नियंत्रण कक्ष है वो भी स्थापित किए जा रहे हैं। इसी के साथ रोडवेज में 1 से 7 मई तक सभी आगारों पर निशुल्क चिकित्सा शिविर रोडवेज अध्यक्ष ने ऐसी बात कही है। इसी के साथ आज का करंट अफेयर्स यही समाप्त होता है। धन्यवाद।